मैंने कहा इज 184 अ टर्म ऑफ दिस एपी? देखो अगर 184 इस एपी में आएगा तो अगर हम 184 को एन एथ टर्म मान लें तो एन की वैल्यू क्या आएगी, एक नेचुरल नंबर आएगी। देखो इसमें टी एन को हमने लेट टी एन एज 184, फर्स्ट टर्म क्या हमारे पास 3, कॉमन डिफरेंस कितना आएगा 7 माइनस 3 इज 4। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाते हैं टी एन का, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। टी एन की जगह रख दो 184, ए की जगह ए की वैल्यू रख दो एन माइनस 1 और डी की वैल्यू। अब इसे सॉल्व करके निकालते हैं, अगर डी इसकी एन की वैल्यू एक नेचुरल नंबर आता है यानी कि 1, 2, 3, 4 इस तरह से कोई नंबर आता है तो क्या हो जाएगा, ये क्या ये इसमें टर्म आएगी, और अगर एन की वैल्यू एक नेचुरल नंबर नहीं आता तो ये इसकी टर्म नहीं होगी। 184 माइनस 3 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 4 कितना हो गया 181 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 4। अब 181 अपॉन 4 इज इक्वल टू एन माइनस 181 अपॉन 4 प्लस 1 इज इक्वल टू एन, तो 181 प्लस 4 अपॉन 4 इज इक्वल टू एन कितना आ गया 185 अपॉन 4। अब ये एग्जैक्टली डिविजिबल तो है नहीं तो हम क्या लिख दें, एन इज नॉट अ नेचुरल नंबर देयरफॉर 184 इज नॉट अ टर्म, 184 इज नॉट अ टर्म ऑफ द गिवन एपी।